मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बागपत से यह खबर आ रही है जहां एक हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के स्टाफ और तीमारदारों की मदद से 12 मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आस्था हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल पर रखे सामान में सुबह 4 बजे आग लगी थी जिसने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को ही बताया गया है। आस्था हॉस्पिटल में आग लगी हुई है जिसपे तुरंत गाड़ियां रवाना हो गई है। एक गाड़ी यहाँ से बड़ौत स्टेशन से, बाकी 2 और जनपद में स्टेशन है, वहाँ से भी 2 गाड़ी रवाना हुए। टोटल 4 गाड़ी आग पे लगी है। आग कंट्रोल में है, बुझ गई है और इसमें लगभग 12 मरीज थे जो अच्छे से निकाल लिए गए, बाद कोई जनहान नहीं। अच्छा, आग लगने का ऊपर बंद था, खत्म करने पर पता चला उनको भी क्लियर नहीं है, पता करके बताया जाएगा किस।